देखिए, ये हमारी जो आज जीत है, 5 साल की मेहनत की जीत है। पंजाब में हमने पाँच साल पहले जब हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, हमको 22 सीट आई हुई थी। हमने उस 22 सीटों की असेंबली में हमने इतना मेहनत किया कि पंजाब के लोग देख के हमको आज इतनी बड़ी जीत दी है कि सारा हिंदुस्तान देख रहा है। ये जीत उन सियासतदानों के ख़िलाफ़ है जो सियासतदान समझते थे कि ये पॉलिटिक्स उनकी जागीर है। पॉलिटिक्स किसी की जागीर नहीं, ये आम आदमी पार्टी जो हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हम दिखाएंगे कि असली सियासत, नेक क्लीन पॉलिटिक्स क्या होती है। इन सियासतदानों ने अब तक कोई कुछ नहीं किया है, ना ये सियासतदानों ने ना कोई स्कूल बनवाए, ना अस्पताल बनवाए, ना बच्चों की भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचा। ये अपने ख़ानदान के बारे में सोच रहे थे, ये अपने घरों के बारे में सोच रहे थे। किसी ने कोई कुछ नहीं किया इन आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी लोगों के लिए। जो पंजाब में ड्रग का माफिया था, जो पंजाब में सैंड माफिया था, इन लोगों ने पंजाब को लूटा हुआ इतने सालों से। कर्नाटक में क्या रहेगा आपका? इंशाल्लाह हम आने वाले चुनावों में सारे के सारे 224 सीटों में हम हिस्सा लेने वाले हैं, और हमें यकीन है कि हम जीत इतनी इसी तरह होगी जिस तरह हमने दिल्ली और पंजाब में जीता है। ये पंजाब की जीत हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की मेहनत है, जो दिल्ली में हमने दिखाया, सारी हिंदुस्तान को हमने दिखाया कि सियासत, क्लीन पॉलिटिक्स क्या होती है। वो उस सियासत के ऊपर पंजाब के लोगों ने यकीन किया है, हम लोगों को एक मौका दिया है पंजाब में, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम पंजाब में उसी तरह से काम करके दिखाएंगे जिस तरह हम लोगों ने दिल्ली में काम करके दिखाया है। आवाम ने पंजाब में वोट डाल के आम आदमी पार्टी को जिताया, लैंडस्लेट कराया है, और हम शुक्रगुजार हैं कि क्लीन पॉलिटिक्स आई है। अभी भी लोग में होप है, ज़िंदा है, क्योंकि बिकॉज आप देखा है 5 साल 7 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या क्या किया है। एजुकेशन में तो एक ऐसा बदलाव लेके आया है, पूरी दुनिया में बात करते हैं, इधर वाशिंगटन में ले लीजिए, ट्रंप की बेटी खुद बोली कि मैं कोई और स्कूल नहीं देखूंगी, मैं दिल्ली की स्कूल देखना चाहती हूँ। और मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारे पास 450 से 500 मोहल्ला क्लिनिक्स है दिल्ली में। हर चीज़ के इंतज़ाम फ्री हैं, टेस्ट फ्री हैं, ऑपरेशन फ्री हैं, और पानी 20,000 लीटर फ्री दे रहे हैं, और 21,200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। क्योंकि वजह से, क्योंकि उनका इंटेंशन, उनकी नीयत साफ़ है, बिकॉज उसके लिए आम आदमी पार्टी पंजाब में इतनी ज़बरदस्त जीत पाई है। और ये जीत पाई है, कर्नाटक में क्या करेंगे? कर्नाटक में इंशाल्लाह हमारा होप है, दिन ब दिन हमारी पार्टी ग्रो हो रही है, फास्ट ग्रो हो रही है। बहुत लोग दूसरे पार्टियों से अच्छे पाक लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जल्द से जल्द कर्नाटका में भी बीबीएमपी इलेक्शंस में भी ऑलमोस्ट 243 सीट्स का कंटेस्ट करेंगे, और 224 असेंबली सीट्स भी कंटेस्ट करेंगे, और हम लोग उसके लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बीबीएमपी में 243 सीट्स का अभी तक वो सोचा कि बंटवारा कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। पर्पजली बीजेपी डिले कर रही है बीबीएमपी इलेक्शंस, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए, इलेक्शन होना चाहिए था, पर्पजली डिले कर रही है। उसके लिए हम लोग तैयार है, हमारे ऑलमोस्ट 198 वार्ड्स के लिए हमारे प्रेसिडेंट्स, अपने उधर बूथ लेवल लीडर्स भी रेडी हुए हैं, बहुत लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। कर्नाटक के लोग के ये है कि देखिए, आपने दिल्ली का बदलाव देखा है, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वोट बैंक मत बनिए, क्योंकि आप सोचिए कि आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन है, हेल्थ है, और कुछ बदलाव के लिए आप लोग आपका दिमाग सोच करिए। लीडर्स कुछ नहीं कर सकते, आप लोग आगे आने चाहिए, आप लोग बदलाव के लिए आगे नहीं आना चाहिए। शुक्रिया। ये खुशी का माहौल, ये कैसी जीत का माहौल है कि जिस वक्त ये पार्टी शुरू हुई, जो इल्ज़ाम लगे कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये बेकार लोग हैं, ये अपने घरों को बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को का जवाब आज पंजाब की जनता ने एक कौमियत दिखा कर दी है कि हर ये कोई उन बदमाश गुंडे से जो पैसा देकर वोट खरीदते हैं, या ऐसी चीज़ों से जो आपकी आपको आपके वोट को बेहैसियत करते हैं, ये उसका जवाब पंजाब के लोगों ने दिया है। तो जब दिल्ली में हम लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद काम शुरू किया था, तो एक एक कुर्बानी का जवाब आज पंजाब के लोगों ने पूरे देश को मैसेज दिया है कि हक के साथ खड़े होने को,
ये अरविंद केजरीवाल की आवाज़ पर खड़े होने का जवाब आज पंजाब के लोगों ने दिया है। तो इससे जो नेशन जो बनेगा, जो पंजाब एक मिसाल बनेगा, क्योंकि दिल्ली की जो मिसाल थी उसी को हम लोगों तक सच्चे दिल से ईमानदारी की एक राजनीति लेकर जाते थे, तो उसकी खुशी है। ये हमारी कामयाबी एक अदने से अदना इंसान की जो ज़रूरतों को समझकर जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी सोच को, अपनी फिक्र को, अपनी जान जोखिम में डालकर झोंकते हैं, उसका ये आज हमारा रिजल्ट आया है, नतीजा आई है। तो हर चीज़ को आगे रखकर छोटे से हमारा ना हमारे अंदर छोटा वॉलेंटियर बड़ा वॉलेंटियर गरीब अमीर ने हर एक को जब आगे रखा, तो आगे रखने से जो काम हुआ, जो सच्ची नीयत से जो काम हुआ, उसका आज ये हमें रिजल्ट आया है। तो मैं इसका धन्यवाद पूरे हर पार्टी के कार्यकर्ता और देशवासियों को देना चाहता हूँ कि इसे सीख लें। देखिए, ये एक बहुत ही ख़ास वक्त है, क्योंकि कोई भी पार्टी इतने इसमें मेजॉरिटी में आना एक बहुत बड़ी बात है। अब जबकि हम लोगों ने 10 साल पहले हमारी पार्टी आई थी, जहाँ से हमने एक दो वॉलेंटियर से शुरुआत की थी, आज हम दो स्टेट्स में हमारी सरकार बना चुके हैं। अब ये जो जीत है वो भी हमने कोई मार्जिन में नहीं जीता है, बहुत ही मेजॉरिटी में जीता है। बहुत शान की बात है हमारे लिए तो, और ये सबसे प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। देखिए, दिल्ली का जो मॉडल है, गवर्नमेंट का जो मॉडल है, वो हर कोई फॉलो करना चाहता है। हम देखते हैं कि जहाँ तक एजुकेशन है, हमारा बेस्ट एजुकेशन है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लीजिए और एजुकेशन से लीजिए, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ थी हमारे बच्चों को पता ही नहीं था। ये सब चीज़ें सिर्फ जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते थे उनको पता था कि स्टार्टअप होता है, कॉन्वेंट होता है, ये सब चीज़ें उनको पता थी। लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जब से स्कूल्स का ये प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लाया, एक मिडिल क्लास बच्चा भी और एक जो पूर क्लास से आता है, जो भी गरीबी इससे आता है, उस बच्चे को भी एक चांस मिल रहा है कि अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, उसको पता चल रहा है कि कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ होती है, उसको स्विमिंग पूल की फैसिलिटी मिल रही है, बेस्ट लैब फैसिलिटी मिल रही है। और हमारा स्कूल इतना बेहतरीन है कि अगर हम कॉन्वेंट स्कूल्स के साइड भी देखेंगे, अगर कंपेयर करके देखेंगे, तो हमारा स्कूल उससे भी बेस्ट रहेगा। और हेल्थ केयर में भी हमारा यही ऐसा ही रहा है। मोहल्ला क्लिनिक का जो हमारा कॉन्सेप्ट अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया है कि फ्री मेडिसिन फॉर एवरीवन करके बोल के, वही कॉन्सेप्ट आज आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो हमारे सीएम हैं बीएस बोम्मैया जी ने, अभी उन्होंने एक बजट में एक प्रपोजल दिया है कि वो भी मोहल्ला क्लिनिक जैसा कुछ यहाँ पे क्लिनिक्स कर्नाटका में खोलना चाहते हैं, जो उनको प्रेरणा सिर्फ हमारी पार्टी से ही मिली है, हमारे काम से ही मिली है। तो पंजाब के लोगों ने हमारे लिए एक चांस दिया हुआ है, और इस चांस को हम ऐसा दिखाएंगे कि ऐसा काम करके दिखाएंगे कि सारा इंडिया के लिए एक मिसाल हो जाएगा। जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट एक मिसाल बन चुकी है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पंजाब भी हमारी एक मिसाल बन जाएगी। खुशी इस बात की है कि सच्चाई की जीत हुई। आम आदमी पार्टी काम करने के लिए आई है, यहाँ तक कि जो भी आम आदमी पार्टी में है वो पॉलिटिशियन नहीं है। हम लोगों को पॉलिटिशियन काम करना नहीं आता है, हम लोगों को काम करना आता है। यहाँ पे हर आदमी पॉलिटिशियन से जुड़ा नहीं है, फिर भी हर चेहरा नया है और मेहनत करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है। हमारे पास एक दिल्ली मॉडल ऐसा है कि हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। वही चीज़ हमारे कर्नाटका में भी हो तो हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य अच्छा होगा। हम लोग कहते हैं ना कि 5 अधिकार जो हमें सरकार की तरफ से मिलने चाहिए, आज तक कोई सरकार दी नहीं है। तो ये सरकार जो आम आदमी पार्टी है, मतलब आम इंसानों की पार्टी है, पॉलिटिशियंस की पार्टी नहीं है। तो हम लोग काम करने के लिए आए हैं, आज इसलिए खुश है कि सच्चाई की जीत हुई, पब्लिक की जीत हुई, किसी और की नहीं। कार्यकर्ता हर एक इंसान की मेहनत आज रंग लाई है, इसीलिए हम लोग बहुत खुश है। सभी लोगों को बधाई देती हूँ कि उन लोगों ने जीत हुई, हमारी नहीं, हर इंसान की जीत हुई। जैसे कि हर जगह अपनी अपनी हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत आज हमको इधर ईद का माहौल है, क्योंकि 5 साल पहले हमें बीन्स बोए थे पंजाब में, आज उसका फसल हम निकाले हैं। आज बहुत खुशी हो रही है कि उधर की जनता बहुत अकलमंद है, जनता बहुत अच्छी पार्टी को चुने हैं। कि सियासत के इतिहास में कौन सी पार्टी भी दो स्टेट में गवर्नमेंट नहीं बनाई ऐसा, हम आम आदमी पार्टी बनाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम BBMP बेंगलुरु में भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा ही रिजल्ट पाएंगे। लेकिन इधर जात पात पे हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इधर हम लड़ रहे हैं मुद्दे पे, एजुकेशन, हेल्थ और
विकास विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं।